इंस्टाग्राम रील्स वीडियो डाउनलोड कैसे करें 2023 में, इस स्टेप इन प्रोसेस को कैसे अप्लाई करना है गाइस, और इंस्टाग्राम में जो आपके रील्स की वीडियो है उन्हें आपको अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप उसे डाउनलोड कैसे कर सकते हो। यानी कि अगर आप जाओगे अपने इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर आप अपने किसी भी इंस्टाग्राम की रील्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पर आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं। इंस्टाग्राम में ही आपको एक ऑफिशियल फीचर मिलता है जिसकी हेल्प से आप अपने इंस्टाग्राम की रील्स को अपने गैलरी में सेव कर सकते हो। चाहे तो आपकी कोई अपनी पर्सनल इंस्टाग्राम की रील्स हो जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हो तो उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली अपने रील्स के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर भी आप किसी भी रील्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम के रील्स में। अगर आपको किसी भी इंस्टाग्राम की रील्स को अगर आपको डाउनलोड करना है तो सिंपल सा सबसे पहला जो स्टेप है, यहाँ पर आपको 3 डॉट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड स्टोरी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पर आप अपने स्टोरी के ऑप्शन पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आपको जस्ट वेट करना है। वेट करने के बाद जो रील्स है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब लेट्स एग्जांपल, इस रील्स को आप डायरेक्टली अपने गैलरी में, मोबाइल के गैलरी में सेव डाउनलोड करके सेव करना चाहते हो तो इसके लिए आपको डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो 3 डॉट ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहीं पर ही आपको सेव का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहीं पर आपको सेव का ऑप्शन मिल रहा है, सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और ये जो इंस्टाग्राम का रील्स है डायरेक्टली आपके अपने मोबाइल के गैलरी में सेव हो जाएगा। आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग होने तक आपको वेट करना है, और उसके बाद आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। यू कैन सी वीडियो सेव हो चुका है। अब उसके बाद आपको डायरेक्टली जाना है अपने मोबाइल की गैलरी में। यहाँ पर आपको डाउन साइड में एक इंस्टाग्राम का फोल्डर आप देखने को मिलेगा, यहाँ पर अगर आप जाओगे, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला वो फोल्डर, और यहाँ पर ये रहा वो इंस्टाग्राम का रील्स जो डायरेक्टली आपके गैलरी में सेव हो चुका है। ये अभी का ही रील्स है जो मैंने अभी सेव किया है। इसी तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम के रील्स को सेव कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम की गैलरी में। आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।